अपने लिए चाय बना रहा था, उंगली जल गई। देखो कितनी बार कहा है डिपार्टमेंट आपका नहीं है, यहाँ आप आया मत कीजिए। इतनी वार्निंग दे चुकी हूँ लेकिन आप भी। अरे चंदू दो घंटे से मार्केट गया हुआ है, तुम पता नहीं कहाँ थी। पूजा सो रही होगी, मुझे पीनी थी चाय, ऐसे में मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन वकील अपनी वकालत नहीं। वकील साहब भौजी ठीक कहती है, वकालत भी क्रिकेट की तरह बहुत बुरा नशा है। पहले तू बोल, तू दो घंटे से कहाँ था? कहीं रास्ते में क्रिकेट तो नहीं खेल रहा था? अजी नहीं, असली क्रिकेट तो आज सब्जी मार्केट में हो रहा था। प्याज और आलू ऐसे चौके ऐसे छक्के मार रहे थे कि पूछे मत। अजी 5-10 में आउट होने वाले इन दोनों ने हाफ सेंचुरी क्रॉस कर ली। एक का दाम 55, दूसरे का 60 रुपए। अब आगे हम क्या बोले? अब बोलेंगे तो बोलिया के बहुत बोलता है, इसलिए हम बोलते नहीं। सुना कोई नहीं सुनता। चंदू टीवी क्यों बंद कर दिया?
भाभी मेरी एक बात मानोगी? बोलो। चलो मिलकर आधा घंटा और सो जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? ये वही बदतमीजी है जो भैया करते होंगे। यही तो रोना है बेबी, तेरे भैया को कोर्ट के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ठीक है, हम फुर्सत निकाल लेते हैं। एक और चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जल्दी से रेडी हो जा, मैं बाहर नाश्ता लगाती हूँ। आई लव यू भाभी। लव यू टू। ये रहा सिली पॉइंट, ये शॉट मिड ऑफ, फॉरवर्ड शॉट लेग, शॉट मिड ऑन। विकेट कीपर भी रेडी है, बैट्समैन की कमी है। अगर शाम को कहीं जाना हो तो मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि कोर्ट में आज शायद देर हो जाएगी। ओके। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग पूजा, मैं ऑलरेडी 10 मिनट लेट हूँ। अगर तुम्हें देर लगेगी तो तुम रिक्शा लेकर कॉलेज चली जाना। नहीं, मैं रेडी हूँ, चलिए। तो फिर चलो जल्दी। बाय निशा। बाय भाभी। अरे सुनो, कमाल, दोनों बैट्समैन पिच पर डटे ही नहीं और रन आउट हो गए। अब आगे का बोले, हम बोलेंगे तो बोली जाके बहुत बोलता है। शट अप। मिस्टर मल्होत्रा, वकालत कभी सेवा का काम था, लोगों को इंसाफ दिलाना, कानून की मदद करना, लेकिन मैं समझता हूँ आजकल ये एक पेशा सा बनकर रह गया है। ये शब्द बहुत खराब है। जब हम कहते हैं कि वो औरत पेशा करती है, इसका मतलब वो अपनी इज्जत बेचती है। हम लोग भी तो कानून और इंसाफ की इज्जत ही बेचते हैं। लेकिन इस तरह क्या आप कानून, इंसानियत और इंसाफ के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? श्रीमान रस्तोगी साहब, अगर तवाए पे बेवफा नहीं होगी तो कोठे पर रौनक भी नहीं होगी। नहीं शर्मा जी, मैं आपकी ये बात नहीं मानता। अब अपने अरुण देव को ही देख लीजिए ना, वो हम सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन कभी झूठ को सच नहीं कहते। अगर कहते तो उनकी हालत और भी ज्यादा अच्छी होती। भाई किस मामले में मेरी हालत और अच्छी हो जाती है? पैसों के मामले में? हाँ। और इसके अलावा नाम और शोहरत भी ज्यादा मिलती। अगर महीने में आप 2 बार चीफ गेस्ट बनते हैं तो 4 बार चीफ गेस्ट बनते और फीते भी काटते। भाई ये फीता काटने के लालच में अगर हम इंसाफ का गला काटने लगे तो कानून इसकी तरह बेचारा हो जाएगा और मुजरिम बाइज्जत रिहा होते रहेंगे, और एक दिन बढ़ते बढ़ते उनकी हिम्मत आसमान को छू लेगी, फिर जमीन पर रहने वाला कोई आदमी सेफ नहीं रह पाएगा। हमारे लेन में तो हर तरफ से रिस्क है। हो सकता है आपने जिसको सजा दिलाई हो वही एक दिन केस से छूटने के बाद आपका जीना आराम कर दे। ये रिस्क उठाने के लिए तो हम उसी दिन तैयार हो जाते हैं जिस दिन ये काला गाउन पहनते हैं। फिर भी अरुण देव जी, दिमाग में टेंशन तो रहती है ना? कोई टेंशन नहीं भाई, अगर मुजरिम के पास इंतकाम की तलवार होगी तो हम लोग कौन सा खाली हाथ होंगे? हमारे पास भी तो कानून की ढाल होगी जिसे हम तलवार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मुझे कभी चिंता नहीं होती कि जिस मुजरिम को मैंने सजा दिलवाई हो वो किस दिन जेल से आजाद होगा। जब आजाद होना हो जाए, नो टेंशन। अरे सुन इधर, अब ये सब लेके किधर जा रहे लाए? इधर ये उन साहब का है। यहाँ साहब सिर्फ आपुन है, बाकी सब छुट्टा पैसा है क्या?
राजू एक गर्मा गर्म चाय पिला यार। अभी लाए सर। याद है ये कौन सा साल है? याद है ये कौन सा महीना? याद है आज कौन सा दिन है? आज कोई खास बात है? नहीं। किसी की शादी में जाना है? नहीं। तो फिर किसी की पार्टी में जाना है? नहीं। तो फिर इतना बंठन के क्यों खड़ी हो? भैया आप भी हद करते हैं। भाभी ने आपको इतने सारे बुके भेजे फिर भी आपको याद नहीं आया कि आज आपकी शादी की सालगिरह है। ओ तेरी, मैं भूल ही गया। हाँ, एक दिन तुम ये भी भूल जाओगे कि हमारी कभी शादी हुई। सुनो, अबे तू कहाँ जा रहा है? उधर उधर हमारा बैट और बॉल है। छोड़ उसे और चल मेरे साथ शॉपिंग करने। देखिए आज हमारा बैटिंग का मूड था और खामखा आप हमको फील्डिंग कराने ले जा रही हैं। तुम चलते हो या नहीं? अब आगे का बोले? अब बोलेंगे तो बोलेगा कि बहुत बोलता है। चलिए चलिए चलिए। अजी अजी सुनिए तो मिलोर्ड, आज से ये डेट मैं अपनी डायरी में लिख दूंगा, फिर भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई कारना गलती हो गई, इंसानों तो गलती होगी ही, इसमें गलत क्या है? हैप्पी एनिवर्सरी। बस बस रहने दीजिए, बहुत हो गया। देखो मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो मेरा प्यार है, और अगर तुम मेरे प्यार पर गुस्सा करोगी तो जानती हो मैं क्या करूँगा? क्या? मैं तुम्हारे गुस्से से प्यार करने लगूंगा। इतना पर का मेरा असर
क्या जवानों से कम है, अरे जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। हाय राम बुढ़े में बड़ा दम है, हाय राम बुढ़े में बड़ा दम है, हाय राम बुढ़े में बड़ा दम है, हाय राम बुढ़े में बड़ा दम है। तुमने कहा था चलो शॉपिंग करने, लेकिन तब से यहीं बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे टेस्ट मैच देखने आए हो और बारिश हो गई हो। बैठे बैठे 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए जी। चलो। हाँ चलो चलो चलो, चलो। उधर नहीं इधर। अरे तुम्हारी ये इधर उधर की स्पिन बॉलिंग मेरी समझ में नहीं आ रही। वैसे भी इंडिया की स्पिन बॉलिंग कम लोगों को ही समझ में आती है। अच्छा चले। तुम चलो, मैं किचन में जा रहा हूँ। भैया भाभी, अगर आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह मुबारकबाद दे चुके हो तो प्लीज बाहर आ जाइए। क्या बात है पूजा? ये क्या भाभी? क्यों, क्या हुआ? आपने जल्दी में भैया की शर्ट पहन ली। ओए अरुण देव किथे? लो तुमने बुलाया हंसों के जोड़े को और आ रहा है ये काएं काएं। ओ सासरीकाल भाई सासरीकाल, करतार सिंह का यार कहाँ है? ओए तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल जाके जल्दी ठंडा पानी ला चल। आज जिंदी रह पुत्र जिंदी रह। ओ वकील साहब किधर हो भाई? ओए खोते दे पुत्र, कहाँ था इतने दिन? ओ यारा मेरे यारा। करतार सिंह कैसे आना हुआ भाई? ओए कैसे आना हुआ? वो मेरा एक यार था जसपाल, वो बेशक अपनी शादी की तारीख भूल जाता था पर अपने दोस्तों की शादी की तारीख नहीं भूलता था। सच सच बताएं, आज तुम लोगों की शादी की सालगिरह है ना? ओए है तब फिर मुबारक हो, चक देंगे फटे। बस कर भाई, ये मेरी तरफ से शादी का तोहफा। ओह थैंक यू। हमेशा की तरह एक ही फूल। ओए क्रिकेट की औलाद, प्यार जताने के लिए एक फूल भी काफी होता है। पानी पानी नहीं, एक ही बूंद। जिस तरह प्यार जताने के लिए एक फूल काफी होता है, उसी तरह प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी काफी होता है। तेरा पोग पा दूं, मैच खत्म कर दूंगा। ओए मिट्टी पाओ जी छोड़ो। छाड़ता जी छाड़ता। हाँ तुसी सारे फौरन तैयार होकर मेरे नाल बाहर चलो। ओ किथे? ओ किसी होटल में जाएंगे, रोटी शोटी खाएंगे, पार्टी मनाएंगे। ओ किसी होटल में जाए जाए जा। मेरा दोस्त जसपाल कहता था कि खाओ मन भाता। ओ लगता है किसी ने जानबूझकर बाउंसर फेंका है। हो सकता है भैया ने किसी को सजा दिलवाई हो और उसी ने गुस्से में आकर ये हरकत की हो। किया भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा दोस्त जसपाल कहता था हाथी चले बाजार और कुत्ते पोंके हजार। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो होटल में जाएं जाएं, रोटी तो खाएं खाएं। भाई मजा आ गया। ओ वेटर बिल ले आ, बिल। ए, बिल तू नहीं देगा? ओ नहीं ओए, आज तेरा मुबारक दिन है, आज के दिन मैं तेरा दिल नहीं तोड़ सकता। अच्छा भाई बिल तू दे दे। ओ जल्दी जा जल्दी जल्दी। सर आपका बिल तो पेड हो चुका है। पेड हो चुका? किसने दिया? सर वहाँ जो साहब बैठे हैं। अरे वो रहे। मैं भी है। मिस्टर अरुण देव,
जेल से कब छूटे? तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, तुम मुझे नहीं भूले और मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पुरानी जिंदगी तुम किसे कहते हो जो मैंने जेल में गुजारी? हाँ, वो जिंदगी नहीं थी अरुण देव, वो 7 साल लंबी मौत थी। भेड़िया जिस तरह बदन से मांस नोच कर ले जाता है, उसी तरह तुमने मेरी जिंदगी के 7 साल नोच लिए। तुमने मेरी जिंदगी को बहुत बड़ा जख्म दिया है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को सर से पांव तक जख्मों का लिबास पहना दूंगा, ताकि तुम दर्द से इतना तड़पो कि जब मौत भी आए तुम तड़प भी ना सको। तेरी जिंदगी तो जिंदगी, तेरी मौत का भी स्वाद छीन लूंगा मैं। एंड बाय द वे, हैप्पी एनिवर्सरी। ऊपर जाए, मेरा दोस्त जसपाल कहता था कि जब कोई दूसरा बिल दे तो खाना दबा के खाना चाहिए। चलें। कोई पुराना दोस्त था, बहुत देर तक बातें करते रहे। ओ पुराना और गहरा भी, तभी तो बगैर बताए बिल दे के चला गया। भगवान करे ऐसे दोस्त मिलते रहे और हम दबा के खाना खाते रहे। मियां यार, जसपाल कहता था परजाई, जब बाहर रोटी खानी हो ना। बापरे, ये पहिया तो क्लीन बोल्ड हो गया है। क्या मतलब? पंक्चर। ओह गॉड, अब क्या होगा? मैडम, अगर आप कहें तो आपकी मदद कर दूं। पैसे कितने लेंगे? पैसे मजदूरी के लिए जाते हैं, मदद के नहीं। चलिए डिक्की खोलिए। अच्छा, खोलता हूँ। ये खोल दी डिक्की। एक बात बताइए, आप मदद क्यों करना चाहते? इसलिए कि वकील अरुण देव साहब का मुझ पर बहुत एहसान है। ओ, क्या आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। लोग भगवान के नाम की माला जपते हैं, लेकिन मैं उनके नाम की माला जपता हूँ। लेकिन मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। ये उन्हीं की मेहरबानी है कि मैं 7 साल के लिए कहीं और चला गया था। और वहां जाकर खूब माल कमाया? नहीं, माल तो नहीं कमाया, लेकिन 7 साल तक यहां से बिल्कुल अलग एक नई जिंदगी गुजारी। ऐसी खूबसूरत जिंदगी कि यहां आकर जीने का मजा ही खत्म हो गया। हाँ भाई, जब बिरयानी खाने को मिले तो वैसे भी खिचड़ी खाने में मजा नहीं आता। सच तो ये है कि जहां मैं था वहां मैंने खिचड़ी ज्यादा खाई है। अगर ऐसी बात है तो आप अभी हमारे साथ घर चलिए, मैं आपको बिरयानी खिलाती हूँ। आज मुझे अरुण से मिलना है, और किसी दिन। सुनिए, आपने अपना नाम भी नहीं बताया। दुष्यंत, क्योंकि ऑफिशियली कुंवारा हूं, इसलिए साथ में
कुमार लगा लेता हूं, दुष्यंत कुमार। हाय 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 हाय, क्या मुंह से फूल झड़ रहे थे। लगता साहब ने जहां इसको भेजा था वहां इसने बहुत माल कमाया। भौजी, साहब से कहकर हमको भी वहीं भिजवा दीजिए ना, हम भी अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत इनिंग खेलना चाहते हैं। चाचा, आज आपको अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी ना। कौन पुराना दोस्त? दुष्यंत, दुष्यंत कुमार। हमारी कार का पहिया पंक्चर हो गया था और उन्होंने हमारी मदद की, वरना हम तो क्लीन बोल्ड हो जाते। क्यों, कोई मैकेनिक नहीं मिल सकता था? उन्होंने खुद हमारी मदद की। आज कोई आदमी बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता। ये दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई। लेकिन साहब, वो तो कह रहा था कि आपकी वजह से पिछले 7 साल में उसने बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी है। जो जिंदगी उसने गुजारी है वो उसका अपना नसीब है। लेकिन वो सारा क्रेडिट आपको दे रहा था। अब मैं क्या करूं? मैं जिस तरह का काम करता हूं उसमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। मैं अपनी कोर्ट की जिंदगी घर में नहीं लाना चाहता। इज दैट क्लियर? भौजी, हमको तो आप बार बार शटअप बोल देती हैं। कभी इन पे ट्राई किया? शट अप। अगर इस लड़की को कोई छू सकता है वो सिर्फ मैं हूं। एक दूसरे को पहले से जानते हैं? पहले से नहीं, सिर्फ कल से। कल मैंने तुम्हें बताया था ना, एक भले आदमी ने मेरी मदद की थी, मेरी गाड़ी का पंक्चर ठीक किया था, ये वही है। आज इन्होंने मुझ पर भी एहसान किया है। क्यों?
क्या हुआ? अजी सारी बातें यहीं खत्म कर लेंगी। चलिए बिरयानी ना सही, कम से कम चाय के लिए तो अंदर बुला लीजिए। आज आपको मैं चाय पिला के ही भेजूंगी। चलिए अभी अगर वकील साहब भी साथ होते तो चाय पीने में और मजा आता। लेकिन उनको तो अब तक आ जाना चाहिए था, क्यों भाभी? अरे जहाँ भी होंगे फोन करके बुला लीजिए। नंबर तो आपको याद होगा नहीं, मैं बताता हूँ, 9820 छक्का 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 चौका चौका। हेलो, हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ पूजा बोलो। भैया आज आपको एक खास आदमी से मिलवाना चाहती हूँ, आज उन्होंने मुझे कुछ गुंडों से बचाया। कौन है वो? अब मैं क्या बताऊँ वो कौन है, लीजिए आप खुद उनसे बात कर लीजिए। हेलो, नाचिस को दुष्यंत कुमार कहते हैं। तुम? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, उसके लिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। आराम ज्यादा, तू क्या किसी की इज्जत बचाएगा? तूने खुद ही गुंडे भेजकर ये नाटक किया होगा। अरे आप खामोखा मेरी तारीफ कर रहे हैं, जलील कमीने। वैसे आपके घर की चाय बहुत अच्छी है। क्या तू मेरे घर पर है? भाभी जी और पूजा मेरे पास ही बैठी हुई हैं। एंड बाय द वे शी इज सो चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल। आराम ज्यादा। हेलो हेलो, धमकी दे रहे थे, अगर खाना खाकर नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। बिरयानी खाने में किसी और दिन आ जाऊंगा। मेरी तरफ से वकील साहब से कहिएगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे। नमस्ते। कितना अच्छा आदमी है, हमारे कपिल देव की तरह। कपिल। निशा निशा आ रही हूँ। कहाँ है वो? वो तो अभी अभी चले गए। उसे घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाने की क्या जरूरत थी? भैया उसने हमारी इतनी मदद की, बदले में एक कप चाय पिला दी तो कौन सी आफत आ गई? पूजा प्लीज, मैंने कल भी तुम्हें कुछ समझाया था। वो बात तो मेरी समझ में आ गई थी, पर आप समझ में नहीं आ रहे। फिलहाल मुझे समझने की जरूरत नहीं है, वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मगर आज के बाद तुम अकेले कॉलेज कभी नहीं जाओगी और इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी। एंड नो मोर स्विमिंग पूल। लेकिन क्यों? तुम भी मार्केट अकेले नहीं जाओगी। ओए अरुण, बात क्या है? ओ क्यों सबको कैद करके घर में रख रहा है? ओ भाई हमारी परजाई क्यों नहीं मार्केट में जाएगी? भाई भाई वजह क्या है? पता नहीं भाई साहब, बेकार में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। निशा तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बेकार में कुछ भी नहीं करता। देखिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हम उसे खराब कहे। हाँ अगर आपकी पर्सनल दुश्मनी हो या फिर जलन हो तो आप। मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और वो इस लायक भी नहीं कि मैं उसे जलूं। कोई गंदा और घिनौना दरिंदा है जिससे मैं आप सबको बचाना चाहता हूँ। 7 साल पहले की बात है, दुष्यंत अपने शिकार पर सबसे पहले मोहब्बत का जाल फेंकता था। दिल है
नजरों को चार हाय हाय तेरे नखरों पे दिल है निसार करना है कर ले तू नजरों को चार चश्मा उतार तू है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मेरी जिंदगी में तुमसे पहले और कोई मर्द नहीं था मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बाय द वे शादी किए बगैर भी तुम किसी को पा सकती हो लेकिन उसके लिए तुम्हें रखेल बनना पड़ेगा और उसमें भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड शिकार उसके जाल में नहीं फंसता था वो उसके पर काट दिया करता था मुझे जाने दो मुझे ऐसे कैसे जाने दूं? तुमको मोहब्बत के डायलॉग बोलने में 10 घंटे 20 मिनट बर्बाद किया है मैंने इधर उधर घुमाने फिराने में 40 लीटर पेट्रोल जलाया है होटल में 1,210 रुपए का खाना खिलाया है ये सब कौन चुकता करेगा हाँ? मुझ पे दया करो मुझे जाने दो क्यों परेशान होती हो तुम 100% घर वापस जाओगी नहीं नहीं ये जुल्म मत करो तो ठीक है एक काम करो तुम आके मुझसे लिपट जाओ मैं तो अभी भी तुमसे मोहब्बत के डायलॉग बोलने के लिए तैयार हूं मैं डायलॉग बोलता रहूंगा और तुम अपने कपड़े उतार दी जाओ ठीक है तो फिर मैं कपड़े उतारता हूं तुम डायलॉग बोलती जाओ तो एक काम करते हैं डायलॉग भी मैं बोलता हूं कपड़े भी मैं उतारता हूं जैसे ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो तुम चिल्लाओगी बचाओ बचाओ ये जगह कब्रिस्तान से भी ज्यादा सुनी है वहां तो मुर्दे रहते हैं यहां तो वो भी नहीं
फिर मैं तुम्हारे कपड़ों को ऐसे छूऊंगा तो तुम कहोगी भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, दया की भीख मांगती हूँ। और तब मैं वकील साहब, उसने मार मार के लड़की का क्या हाल बना दिया है, आदमी देखे तो रूह कांप जाए। जाइए आप देख लीजिए। कौन कौन है? मैं अरुण देव, तुम्हारा वकील। हौसला रखो वकील साहब, इस जानवर को सजा मिलनी चाहिए। जिसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है, हो सकता है वही जानवर इस केस के दौरान भी तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करे। वो इससे ज्यादा बुरा क्या करेगा मेरा? मैं किसी भी कीमत पर झुकने वाली नहीं हूँ। ऐसे केस में अदालत के अंदर सबके सामने सब कुछ खुलकर पूछा जाता है और उसका जवाब भी खुलकर देना पड़ता है। दूंगी, उसने मेरा शर्म लिहाज, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। वकील साहब, मैं आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो फिर वक्त भी उसे इतना मौका नहीं देगा कि वो चैन से आजादी की सांस ले सके। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं दुष्यंत कुमार हूं। अच्छा, तो आप वो हैं, आप बिना अपॉइंटमेंट लिए मिलने आ गए, बिना इजाजत लिए अंदर आ गए और बैठ भी गए। आप जो चाहते हैं वही करते हैं, सामने वाले को अच्छा लगता है या बुरा ये बिल्कुल नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचने लगा तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऐश कर ले मुसाफिर, ये जिंदगी फिर ना मिलेगी। जिंदगी अगर मिल भी गई तो ये जवानी फिर ना मिलेगी। सही कह रहे हो, इसीलिए इसे संभाल कर रखो, क्योंकि जवानी में गुण लगते देर नहीं लगती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। वकील साहब, लोग आपके पास केस लड़ने की फीस पूछने आते हैं, मेरा सवाल जरा अलग है। मैं आपसे ये केस ना लड़ने की फीस पूछने आया हूं। बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि आज तक अभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने केस हाथ में लिया हो और उसे बीच में छोड़ दिया हो। ये तो आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, टेरिफिक। लेकिन वकील साहब, महान खिलाड़ी तो वो होते हैं जो अपना ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ देते हैं। आप एक बार तोड़ दीजिए। रिकॉर्ड तो मैं तोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा ये रिकॉर्ड है ना कि तुम कई बार रेप के केस में फंसे लेकिन हर बार साफ बचकर निकल गए। लेकिन इस बार बाइज्जत रिहा होने के बजाय तुम बेइज्जत होकर जेल जाओगे। ए वकील साहब, शट अप! मुझे चीखते हुए मुजरिम कटघरे में अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं आपसे निचले सुर में बात करता हूं। आदरणीय वकील साहब, सेवा में सविनय निवेदन है कि आप दूसरे के रिकॉर्ड को तोड़ने की बात तो दूर, उस पर सुई तक ना रखें, अन्यथा रिकॉर्ड बजने लगेगा। फिर जो म्यूजिक निकलेगा वो मौत की आवाज से भी ज्यादा भयानक होगा।
आशा है आप अपने ऊपर कृपा करेंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है? आउट, आई से गेट आउट। जैसे प्रभु की आज्ञा। बास्टर्ड। सारे सबूत और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम दुष्यंत ने मोनिका शर्मा का बलात्कार किया, लिहाजा यह अदालत उसे दफा 376 के तहत 7 साल की सजाए बामुशक्कत देती है। जेल में बहुत बोर हो रहा था, सोचा अपने दुश्मन को देख लूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए तुमको बुला लिया। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी हमेशा कानून और मुजरिम के बीच होती है। कानून से तो मैं निपट लेता हूं, बीच में तुमने जो गद्दारी कर दी। मैं हमेशा से कानून, इंसानियत और सच्चाई का साथ देता रहा हूं। तुम्हारे ये डायलॉग गुंगे हो जाएंगे जब 7 साल बाद मैं बाहर आऊंगा। इज्जत के बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हो ना, याद रखो इस बार मैं तुम्हारे घर की इज्जत पर टाका डालूंगा। तुमको और तुम्हारे कानून को छक्के की तरह तालियां बजाने पर मजबूर कर दूंगा। ना तुम जी पाओगे ना मर पाओगे। अब बताओ क्या मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी है या मैं उससे जलता हूँ? सॉरी अरुण भैया, मुझे माफ कर दो। लेकिन आपने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा वक्त गहरे से गहरे जख्म भर देता है, क्यों बेकार में तुम लोगों को बताकर टेंशन दूं। करतार, ये दोनों मेरी आंखें हैं और वो इन आंखों पर ही वार करना चाहता है, उसे रोकना होगा। उदिता मैम, मेरा यार जसपाल जो था ना, वो हॉकी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। वो ये कहता था कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, समझा? याददाश्त तुम्हारी बहुत अच्छी है, बस ये समझ लीजिए कि वो इंतकाम की आग में जलकर पागल हो चुका है। देखिए, आज तक मैंने कानून की रक्षा की है, अब मैं चाहता हूं कि कानून हमारी रक्षा करे। कमिश्नर साहब, वफादारी का बदला ना मिलने से आदमी गद्दार हो जाता है। मेरा यार जसपाल कहता था वफा... गुड मॉर्निंग सर। तुम इनको जानते हो? ओहो,
तो आपने मुझे इनसे मिलाने के लिए बुलाया है। शुक्रिया। ये तो बहुत ही अच्छे आदमी और मशहूर वकील हैं। मैं तो इनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ। शट अप मिस्टर अरुण। सर बैठ जाइए। आपने मुझे सिपाही के जरिए बुलाया और यहाँ कुछ बोला तो शट अप। आखिर मैंने क्या किया है सर? इनकी शिकायत है कि तुम इनसे इंतकाम लेना चाहते हो। इंतकाम? तौबा तौबा, ये बिल्कुल गलत बात है सर। सर आप इनसे पूछिए, मैंने इन्हें या इनके परिवार को कभी तंग किया है या परेशान किया? पूछिए इनसे। इसने अभी तक ऐसी हरकत तो नहीं की है सर, लेकिन इसने होटल के अंदर मुझे बर्बाद करने की धमकी अपनी जबान से दी। साहब, उस दिन इनकी शादी की सालगिरह थी और इनके खाने का बिल मैंने चुकाया था। अब आप ही बताइए, अगर मुझे इनसे इंतकाम लेना है तो मैं बिल क्यों चुकाऊंगा? लेकिन इनको शक है कि मैं इनसे इंतकाम लेना चाहता हूं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इस शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है सर। ये शक नहीं है सर, मेरा पूरा विश्वास है। ये आदमी बहुत चालाक है और ये सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। शट अप! अच्छा, इन्होंने मुझे शट अप कहा था, मैंने भी शट अप कहा, बराबर हो गया। वैसे भी कानून की नजरों में सबको बराबर का अधिकार है। वकील साहब, ये कमिश्नर साहब सिर्फ आप अकेले के ही नहीं हैं, और वकील होने के नाते अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कानून का सहारा ले सकते हैं, तो मैं भी कानून का सहारा ले सकता हूं। अगर आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे परेशान करने की कोशिश की, तो मैं दफा नंबर 500, 501 और 502 के तहत आप पर मानहानि का दावा करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? मिस्टर अरुण, आप उसके खिलाफ एक सबूत भी नहीं पेश कर सके, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आपके लिए एक मशवरा भी है कि आप बिना सबूत के किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाए कीजिए, वरना आप खुद मुजरिम ठहर जाएंगे। कमिश्नर उस कमीने का फेवर करके मुझे ही समझाने लगा। वो इस केस को और मुझे झूठा समझता है, मुझे जिसने 15 साल में एक भी झूठा केस नहीं लड़ा, और इस बात को पूरा शहर जानता है और वो भी जानता है। अगर मुझे झूठ का ही व्यापार करना होता तो खड़े खड़े उसे रुपयों में तोल देता। ओ छोड़ ना मेरे यार, उसे कमिश्नर की वजह से इस शहर में कानून जिंदा है क्या? जिंदा ना सही यार, लेकिन कानून तोड़ने वाले को रोका तो जा सकता है। ना रोके, मैं कहता हूँ ना रोके, तो वो हराम का बीज हमारा क्या कर लेगा? तेरी डिग्री छीन लेगा या कुछ लूट लेगा? तू नहीं समझता करतार, वो निशा और पूजा की इज्जत। तुम घबराओ नहीं पूजा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा नाम करतार सिंह है, अरुण देव का खास यार हूं मैं, और तू उसका दुश्मन। तेरा हमारा जो रिश्ता है, हमारे बीच पानी की नहीं खून के दरिया बहने चाहिए। मेरे यार अरुण देव को बेकार का खून खराबा पसंद नहीं है, मना किया है मुझे, कसम दी है मुझे, ये लाया हूं तेरे वास्ते 5 लाख रुपए। ये ले ले और अपनी पिछली जिंदगी के 7 साल भूल जा। देख, नहीं तो जट हूं मैं, जट, और ऊपर से रिटायर नहीं, सस्पेंडेड पुलिस अफसर। रिश्वत लेके भी तू ना माना ना, तो तेरी जिंदगी और मौत की दोनों सुइयां ऐसे मला दूंगा कि तेरे 12 बज जाएंगे। ओए बंदा बन जा बंदा, मां आई है। Thank you.
तुम बैठो, मैं ये फाइल क्लाइंट को देकर आता हूं। अरे पूजा, क्या हुआ? इस बैग को पहचानते हो? नहीं, क्यों? ये तुम्हारे खास दोस्त करतार का है। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, ये बैग लेकर आया था मेरे पास, इसमें 5 लाख रुपए हैं। ये देखकर मुझे कहने लगा कि मैं पुरानी बातें यानी जेल के 7 साल भूल जाऊं। एक साल में 365 दिन होते हैं और 7 साल में 2555 दिन। अगर इस 5 लाख को 2555 दिनों में बांटा जाए तो हर दिन का करीब 200 रुपए पड़ेगा। 24 घंटे जेल में तड़प तड़प कर जीने की कीमत सिर्फ 200 रुपए है। तुम्हारा ये करतार बड़ा घटिया बिजनेसमैन है, उसे चीजों की कीमत लगानी नहीं आती। मैं तुम्हें एक बिजनेस प्रपोजल देता हूं। तुम्हारे इस 5 लाख के साथ मैं अपने 5 लाख तुम्हें दूंगा। तुम सिर्फ एक रात के लिए अपनी बहन को मेरे पास भेज। राम ने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या हुआ? भाभी, भैया को पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई। क्या? क्यों? भैया और दुष्यंत के बीच झगड़ा हुआ था, तब बीच में पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करके लेके गई। भाभी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिकर ना करो परजाई, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। याद है मिस्टर अरुण देव, 7 साल पहले जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी, मैं सलाखों के पीछे था। आज तुम सलाखों के पीछे हो पर मैं बाहर हूं। जिस कानून पर तुम्हें बहुत भरोसा था, देखो आज वो मेरे साथ है। कोई भी बहुत दिनों तक कानून को बेवकूफ नहीं बना सकता, बहुत जल्द ये बाजी भी पलट जाएगी। उसके पहले मैं तेरी दुनिया पलट दूंगा। अब तक मैं दूर दूर से खेल रहा था, लेकिन अब मैं तेरी खुशी, तेरी इज्जत, तेरी जिंदगी सबकी धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। Thank you.
इज्जत के बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हो ना, इस बार मैं तुम्हारे घर की इज्जत पर टाका डालूंगा। भौजी, भौजी साहब आ गए, साहब आ गए, भौजी साहब आ गए। अरुण भैया, यार अरुण, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। ना मैं उस रामजादे के पास पैसे लेकर जाता और ना बात यहाँ तक बढ़ती। वो तुमको लूज बॉल डालने से पहले ही सोचना चाहिए था ना कि पिटाई हो जाएगी। चंदू शट अप। ओ परजाई, ये चंदू ठीक कह रहा है। नहीं करतार, तुमने ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है। दरअसल वो आदमी बहुत चालाक है, उसने जानबूझकर मुझसे ऐसी बातें कही ताकि गुस्से में आकर मैं उस पर हाथ उठाऊं। जानबूझकर वो मार खाता रहा ताकि वो कानून से बच जाए और मैं कानून के पंजे में आ जाऊं। वो आदमी कानून को बहुत अच्छी तरह समझता है और इसी का फायदा उठा रहा। यार अरुण, हम एक काम करते हैं, क्योंकि वो हमको पहचानता है इसलिए हम किराए के गुंडे लेके उसके हाथ पैर तोड़वा देते हैं। सारा जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा और काम ही खत्म। नहीं कतार, हमें किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपकी बार लगता है किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि अंपायर से पाला पड़ गया है, जो सबको LBW देकर आउट कर देना चाहता है। लेकिन बेटा, ये चंदू भी किसी से कम नहीं है, तुझे पिच पर आने नहीं देगा। ये देख, क्रिकेट बोर्ड की तरह स्ट्रॉन्ग। अब मैं देखता हूँ तू अंदर कैसे घुसता है, दरवाजे पे ही खत्म हो जाएगा। जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ओम भू। बहुत खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी और बहन मिल गई। दुष्यंत, शरीफों को मत ललकारो। अगर शरीफ नंगे पन पर उतर आता है तो हम जैसों को कपड़े पहनने पड़ते हैं, है ना? क्या फर्क पड़ता है, पहन लेंगे। आज जब कपड़े की बात आ ही गई तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, तुम्हारी बहन जो सफेद नाइटी पहनकर सोई है ना, उसे देखकर किसी भी साले का दिल मचल जाएगा। सेक्सी, वेरी सेक्सी। वो हरामजादा पूजा के कमरे में। हाँ?
भैया क्या हुआ भैया? पूजा कोई आया था यहां? नहीं तो उस तरफ के दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दिए ना? जी साहब जी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी सर, इसलिए मैं इसमें कितने बॉल है सर? छह। यानी पूरा एक ओवर एक बार में पूरा फेंक सकते हैं? हाँ। सर बॉल जरा टिका कर मारना और छह के छह बॉल विकेट पर ही मारना ताकि एक ही ओवर में मैच खत्म हो जाए। इस दुष्यंत ने सबका जीना मुश्किल कर दिया सर। न कोई ठीक से खा सकता है, न पी सकता है, न कोई चैन से सो सकता है सर। इसने इस घर को नरक बना दिया है सर, नरक बना दिया। What does it?
तां बहुत वड्डी गल हो गई, बहुत वड्डी गल हो गई अरुण। वो हराम दा बीज साढ़े कार दे अंदर तक आ गया। अरुण ए बोल, उन करना की है? वो ऐसी चालें चल रहा है कि हम कानून का सहारा ले ही नहीं सकते। तुम ठीक कह रहे थे करतार, हमें कानून को अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। ए होई ना गल, हुन चक देंगे फटे। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप के चलने में क्या राज है? अरे पहले तो सांप की तरह सामने से फुंकार मारता था, अब बिच्छू की तरह पीछे से डंग मारने लगा है। अभी तो आगे से सिर्फ एक झटका दिया है और तूने अपनी जात बदल डाली। अभी क्या गधे की तरह दुलत्ती मारेगा? हाँ, मुझे मारने के लिए गुंडे भेजते हो? कहाँ गए वो भारी भारी डायलॉग जो कानून के ऊपर मारा करते थे? सब गुंगे हो गए ना? अगर मुझे मारने का इतना ही शौक है तो सामने आ। ओ मेरे मुन्ना, मेरे बाबा, सामने आ। आ बाबा, मैंने तुझे कहा था ना एक दिन मैं तुझे छक्का बनाकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दूंगा। घर में छुप कर बैठा है, छक्का बन गया ना, अब तालियां भी बजा ले। तेरे आंगने में मेरा भी बड़ा काम है, मेरा भी बड़ा काम है। अरे तेरे आंगने में मेरा भी बड़ा काम है। अरे नहीं साहब नहीं, अरे छोड़ो मुझे, अरे मेरी बात सुनिए, अरे रुको साहब, रुको साहब, तू रुको, रुक जाइए भैया, प्लीज जाओ आ सामने, अरे नीचे नहीं साहब, नहीं जाने दीजिए सर, जाने दीजिए सर, मैं दिखाता हूँ तेरे को, तेरे छक्का कौन है? सर, ये लगने से घर की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अरुण, धीरे धीरे हम अपने ही घर में कैद होते जा रहे हैं। इसी घर में अरुण, इसी घर में वक्त कैसे कटता था पता ही नहीं चलता था, और आज हर एक पल जैसे काटते हुए गुजरता है। सब ठीक हो जाएगा निशा। कब ठीक हो जाएगा अरुण, बोलो ना, कब ठीक हो जाएगा?
ऐसे घुट घुट के नहीं जिया जाता अरुण। ओ परजाई, चिंता ना करो, वो इस तरह आंसू ना बहाओ। मेरा यार जसपाल कहता था, ये आंसू जो है ना बड़ी कुत्ती चीज होती है, ये दुश्मनों का हौसला बढ़ाती है और अपनों को टीला करती है। और देखो मेरे यार को कैसे डटा हुआ है। सॉरी अरुण। कोई बात नहीं, आज के बाद ये करतार सिंह भी यहीं डटेगा और यहीं रहेगा। गुड, आज से मैं इस कार का सिक्योरिटी ऑफिसर, इसलिए नो टेंशन। बल्ले बल्ले मेरे यारा। ओ चंदू, तू सपने में क्रिकेट ही मत खेलते रहना, कार पर भी निगाह रखना, समझे? अच्छा, सिक्योरिटी ऑफिसर बनते इतना चेंज, ओपनिंग में ही बाउंसर फेंकने लगे। आगे नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोल। जसपाल कहता था कि दुश्मन को खत्म करने के लिए पहले उसकी कमजोरी ढूंढो, और इस कंजर की सबसे बड़ी कमजोरी है लड़की। वो तो है, लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हमने वो लड़की भी ढूंढ ली है और प्लान भी सोच लिया है। करतार, हम अपने फायदे के लिए किसी मासूम लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल करें, उसे खतरे में डालें, ये अच्छी बात नहीं है। ओ भाई, वो कोई मासूम मासूम नहीं है, उसका तो तंदा है तंदा। पैसों के लिए वो पुलिस के इनफॉर्मर का काम भी करती है, वो तो बड़ों बड़ों को दिन में तारे दिखा देती है। अरे वो तो ऐसा चारा है जो अच्छों अच्छों को बचारा बना देती है। आप सिर्फ उस लड़की का कमाल देखो। जरूर हमारे जाल में फंस जाएगा। मेरा यार जसपाल ठीक ही कहता था, जब आदमी जहर से ना मरे ना, तो उसे शहद से मारने का ट्राई करना चाहिए। मुझे तो उस लड़की की चिंता है, कहीं वो बेचारी मुफ्त में। ओ बेचारी नहीं, वो बड़ी कुत्ती चीज है, उसने बहुत सारे काम यूं ही कर दिए। ओए वो देखो उधर। गाड़ी लाओ। तोते ने मिर्ची खा ली। छक्का छक्का चौका चौका। बस थोड़ी देर में उस लड़की का फोन आ जाएगा और हम उसे जाके रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हाँ।
हेलो, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ और अपनी प्यारी सी चीज लेकर जाओ। दुष्यंत का फोन है। करतार, फौरन पुलिस को फोन करो ताकि इसका बयान ले ले। अभी करता हूँ। नहीं, मैं कोई बयान नहीं दूंगी। वो जानवर है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। देखो रूबी, तुम्हारे बयान की वजह से वो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा, फिर वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नहीं, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। ओ कुड़िये, हिम्मत कर, कुछ नहीं होएगा तनु। नहीं। फिर तो वो आदमखोर आदमियों की भीड़ में घूमता रहेगा। प्लीज रूबी, जरा हिम्मत करो। और रूबी, प्लीज। नहीं। वकील साहब, उसने आपके लिए एक मैसेज दिया है। उसने कहा है कि जो सुलूक उसने मेरे चेहरे के साथ किया है, उससे कहीं ज्यादा बुरा सुलूक वो आपकी बहन के चेहरे के साथ करेगा। भैया, पूजा, क्या बात है? क्या हुआ पूजा? मुझे अकेले सोने में बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ सो जाऊं? आओ। मैं तेरी खुशी, तेरी इज्जत, तेरी जिंदगी सबकी धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। भाभी, आज मुझे फॉर्म भरने कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। आज आखिरी तारीख है। क्या करे, अरुण तो पूरी रात सो नहीं पाए, अभी कुछ देर पहले सो गए। कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाती हूँ, क्या होगा? नहीं, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, मैं अरुण को उठाती हूँ। ओ परजाई, करतार सिंह के होते हुए अरुण को परेशान करने की क्या जरूरत है? परजाई, मेरा यार जसपाल कहता था, जैसे शराब के गिलास को आगे बढ़ के उठा लेना चाहिए, ऐसे दोस्त की परेशानी को भी आगे बढ़ के उठा लेना चाहिए। वो प्रॉब्लम क्या है, मैं चलता हूँ साथ में, आ जा। तो ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। चलिए। चंदू, साहब का ख्याल रखना। नो टेंशन, नो टेंशन। ओए टेंशन के बच्चे, ख्याल रखना, क्रिकेट मत खेलते रहना। एक मारूंगा बाउंड्री से आउट। आज कल के कॉलेजों की कंडीशन क्या हो गई है परजाई? मैं तो कहता हूँ सारे विद्यार्थी मिलके खुद सफाई करें। सही है। मेरा यार जसपाल कहता था कि विद्या से बढ़ के तो कोई चीज ही नहीं है। भाभी, मैं एक मिनट में टॉयलेट होकर आती हूँ, जल्दी आना। परजाई, ये किथे गई? नेचर्स कॉल। कौन है भ्राता श्री? अरे भाई, कौन है आप? अबे कौन है बे? अबे बोल। नहीं नहीं, तू बोलेगा नहीं तो दरवाजा खोलेगा नहीं। नो बॉलिंग तो नो बैटिंग। चंदू, क्या बकबक लगा रखी है, दरवाजा खोल। कैप्टन की बात तो माननी ही पड़ेगी। खोलता हूँ साहब। तो कोई भी नहीं। अरे ये क्या है साहब? साहब, जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, ये मिला। कैसे?
कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हो सकता है, सुना है कई दिनों से कोर्ट नहीं जा रहा। अच्छा, मिस्टर अरुण देव, बदतमीजी की हद है ये। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, वरना मैं क्या पागल हूँ जो लेडीज टॉयलेट में घुस जाऊंगा सर। हो सकता है ऐसा करना इनकी जवानी से ही आदत रही हो। सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने ऐसी गंदी और घिनौनी हरकत मजबूरी में की है, और वो कौन सी मजबूरी थी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। अरुण, अरे कैसेट ला, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, ये लीजिए, ये रहा सबूत। ये कौन सा कैसेट उठा लाया? मैं तो वही कैसेट लाया जो वीसीआर के अंदर थी। कोई बात नहीं, चलने दीजिए, बहुत सेक्सी सॉन्ग है। बताइए, क्या आप यही दिखाना चाह रहे थे? ये किस बात का सबूत है, आपकी सच्चाई का या पागलपन का? लेकिन ये उसी की चाल है सर। कोई चाल वाल नहीं है, आपका दिमाग खराब हो गया है। इन्हें ले जाकर किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। प्रिंसिपल साहब, चढ़ा लिए। सबूत के बाद मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं है, समझे? मिस्टर अरुण, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर देता। एंड नाउ प्लीज गेट आउट, गेट आउट। कोई नहीं, कोई नहीं, चल चल बुत्ता। इसे देख के मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। छोटा भी नहीं, घटिया आदमी है ये, कमीना नंबर वन। लड़कियों के टॉयलेट में जानबूझ कर घुसा होगा। ये तो देखने से ही ठरकी नंबर वन लगता है। कटार, कटार, नहीं कटार, नहीं। जो कुछ ये बोल रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं, हमारा खराब समय बोल रहा है, चल। अच्छा पूजा, अपना जरूरी सामान बांध लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और जाकर रहेंगे। ओ यार अरुण, हौसला रख। मेरा यार जसपाल कहता था कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। तो क्या करूं बताओ, उसके खिलाफ क्या क्या नहीं किया हमने, लेकिन क्या हुआ? और अब क्या करें, इंतजार कि कब वो हमारी इज्जत बर्बाद करे? और उसके बाद अगर हमने उसे सजा दिलवा भी दी तो हमारी इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी। करतार, इज्जत वो फसल नहीं है जो बार बार बोई और काटी जा सके, इज्जत वो फसल है जो एक बार कट गई। साहब, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन घर छोड़कर जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। घर? ये घर है तो कहां गई हमारी खुशियां? इस घर में 24 घंटे तनाव घुटन, और घर के बाहर लोगों के ताने और गालियां। तुम लोगों ने भी तो सुना, वो कॉलेज के लड़के लड़कियां क्या कह रहे थे मेरे बारे में।
ऐसी बेइज्जती, ऐसी घुटन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, कभी नहीं। घर तो घर, जी चाहता है मैं इस जिंदगी से ही भाग जाऊं। सर बहुत अच्छा है। क्यों है ना? मेरा यार जसपाल कहता था कि तेरा यार जसपाल तेरा यार है कि कोई LBW जो हर जगह बीच में घुस जाता है और बोर करता है। अच्छा मेरे यार जसपाल के बारे में ऐसी बात न कही। मेरा यार जसपाल जो है ना, वो सचिन तेंदुलकर की बैटिंग, अजर की फील्डिंग और कपिल देव की बॉलिंग का मिक्सचर है। मिक्सचर और जी, इस मिक्सचर से मिलवाओ तो सही ऑटोग्राफ के लिए। मिलाऊंगा मिलाऊंगा, चल पानी लेके आ जा। भैया भैया भैया, Thank you.
आ जाओ भाई आ जाओ। ओए अरुण कैसी लगी जगह? हट पीछे। अगर इस इलाके में कोई जन्नत है तो बस यही है। करतार मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। ओ यार इस तरह की गल ना करें। मेरा दोस्त जसपाल कहता था कि शुक्रिया ही दोस्ती की कैंची है। वो तो ठीक है, आज से कैंची नहीं चलाऊंगा यार। यहाँ तो लाइट नहीं है। अब भाई इस जन्नत की यही तो एक कमी है, यहाँ लाइट कभी आती है कभी जाती है। पर तू फिक्र ना करा, इसका इलाज भी है हमारे पास। खड़ा रहा भाई, मैं आ रहा हूँ। Thank God. ओ परजाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, यहाँ कुछ नहीं होगा। रब ना करे अगर कोई मुसीबत आ गई तो आप लोगों के लिए ये करतार सिंह द्वार सिंह बन के खड़ा हो जाएगा। आप लोग जाके आराम करो, थक गए होगे। एले अरुण, पूरा बेडरूम। गुड नाइट। क्यों रहा है? मार मार के पानू तेनू भोग पा दूं मैं तेरा। कुछ भी पा दो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। वो पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरा दिमाग पहले खराब था, मैं सोचता था कि तू एक चमचा टाइप फालतू आदमी है जो फेंकता ही रहता है। लेकिन नहीं, तू तो यारों का यार निकला। दिल देना, दिल लेना और उसके साथ साथ दिल के रिश्ते को निभाना, ये तीनों चीजें तेरे को बहुत अच्छी तरह से आती है। कसम से करतार सिंह, तू एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। मैं आगे से कभी तेरे साथ टिंगल बाजी नहीं करूंगा। तू गुस्से से भी पानी का गिलास मांगेगा ना तो मैं खुशी से पूरा गिलास भर के दूंगा। यार ऊपर तूने मेरे को ये बताया नहीं कि तू हंस क्यों रहा था। पहले मैं तेरे पे हंसा करता था, आज मैं अपनी बेवकूफी पे हंस रहा हूँ कि तेरे को कितना गलत समझा यार, कितना गलत समझा। पता, आज से हम एक दूसरे पर नहीं हंसेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर हंसेंगे। गुड मैन दी लालटन, आजा गले मिल जा। भाई गुरु सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तुमने मेरी जिंदगी को बहुत बड़ा जख्म दिया है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी को सर से पांव तक जख्मों का लिबास पहना दूंगा। तेरी जिंदगी तो जिंदगी, तेरी मौत का भी स्वाद छीन लूंगा मैं। पहचानते हो? ये आदमी कल अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था और नाश्ता करके चला गया। ताती वाव नाड़ों पर ब्रह्म समाई, चौथफ हमारे रामकार, दुख ना लागे पाई, सतनाम श्री वाहे गुरु। ओ चंदू, ओ यार कोई चाशा लिया? ओ लाया जी। लिया चंदू। गुड मॉर्निंग। ओ यार अरुण, तुझे तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? तकलीफ करता है, तुम रात भर क्या करते रहे? ओ मैं तो आराम से कोड़े बेच के सो रहा था। झूठ, हम लोगों को सुलाकर तुम रात भर बाहर पहरा देते रहे। ओ नहीं यार। और पूछने पर बोलते हो मैं कोड़े बेच के सो रहा था। ओए खोते दे पुत्र, मुझे खोता समझ रखा है? करतार मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला। ओ नहीं होए, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे यार के लिए कुछ करने का मौका तो मिला। और ये तो एक रात जागने की बात थी, अगर वक्त आया ना तो मैं तो तेरे लिए आंखें बंद ही ना करूँ। तो फिर मैं बंद कर दूंगा ताकि तू आराम से सो सके। भैया, भैया। क्या हुआ पूजा? भैया। क्यों है? भैया भाभी माँ बनने वाली है और अब बाप। बल्ले 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 बल्
ये शॉर्ट मिड ऑफ, ये फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, थैंक यू, ये सिली पॉइंट और ये शॉर्ट मिड ऑन। लगता है कुछ महीनों में मिड विकेट पर भी एक प्लेट रखनी पड़ेगी। अरुण हमारा बच्चा पैदा होगा ना अरुण, हम उसे देख सकेंगे ना अरुण? मुझे तो निशा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। माया सामने आ, ठहर जा तू, आज करता तेरा काम खत्म कर दूंगा। तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लो। हाँ जी। hey, करतार! 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 क्या हुआ? पीछे से वार किया उस कुत्ते ने, पीछे से, और मुझे माफ कर देना। अरे तू किस बात की माफी मांग रहा है? मेरा यार जसपाल कहता था जो यार को बीच में छोड़ के चला जाए वो यार नहीं गद्दार होता है। तू गद्दार नहीं है, तेरा यार जसपाल बेवकूफ है, उसे मालूम ही नहीं यारी की क्या होती है। जसपाल को ऐसा ना कह मेरे यार, सच तो ये है कि जसपाल भी मैं ही हूं। क्या? और ये तो एक रात जागने की बात थी, अगर वक्त आया ना तो मैं तो तेरे लिए आंखें बंद ही ना करूं। तो फिर मैं बंद कर दूंगा ताकि तू आराम से सो सके। आप लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। चंदू तुम्हें क्या हुआ? निशा और पूजा कहाँ हैं? साहब वो हरामी भाभी और पूजा को जबरदस्ती ले गया। निशा, पूजा, Oh!
दया करो, हम सब पे दया करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बच्ची को छोड़ दो। प्यासा पानी छोड़ दे, भूखा रोटी छोड़ दे, शिकारी शिकार छोड़ दे, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, इस मासूम को छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो अपनी हवस मुझसे पूरी करो। मामी, हीरा छोड़कर कोयले पर मोहर लगाने की अपनी आदत नहीं है। इज्जत लूटना चाहता है, प्लीज उसे रोको, प्लीज प्लीज प्लीज। ये चले चल चल चल, इसके कौन है? क्या रे, तू अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझता है, लड़की लोग को छेड़ता है? हां हमारे आले के नगरी करेंगे साले, तोड़ देंगे, मारूंगा साले, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं आज हम लोग। भाई समझता है, लड़की छेड़ता Buddy!
सॉरी सर, सर क्या है, बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था वर्ल्ड कप के लिए, तो डिब्बा इधर की जगह उधर चला गया। सॉरी।